अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, आपकी वजह से रंजीत पकड़ा गया। अब आप लोग सब सेफ हैं और साथ में लक्ष्मी टीचर भी ठीक हैं। थैंक यू। और लक्ष्मी टीचर को होश आ गया? जी, उनको होश आ गया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सब ठीक हो जाएगा। पुलिस अंकल, मुझे माँ से मिलना है। हाँ बेटा, वो भी आपसे मिलने के लिए तड़प रही, जाइए उनसे मिल लीजिए। चाहिए, हमने रंजीत का बयान ले लिया है, वो गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। व्हाट, क्या कह रही हैं आप? ऋषि, एक बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है? मॉम को हार्ट अटैक आ गया। मॉम? मॉम, मुझे बात करनी है मॉम से। मेरी बुआ से भी बात हुई ऋषि, मैं अभी क्या भी निकलना होगा। क्या बोला? और क्या बोला बुआ ने? नहीं बोला कि हार्ट अटैक आ गया, हमें जाना होगा ऋषि, प्लीज। ऐसे क्या हुआ? मॉम का हार्ट अटैक आ गया है। मैं क्या, कैसे, कब? हमें निकलना होगा, अर्जेंटली निकल। सिस्टर, आप ये छोटी बच्ची पारो उसको दे दीजिएगा, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, मासी आ गई है। वेरी गुड, तो वो पारो का ख्याल रख लेंगे और लक्ष्मी टीचर के भी, हमें अर्जेंटली वापस घर जाना होगा। ओके ओके, जल्दी से जल्दी से। प्लीज पारो के बारे में मत सोचो, उसकी मासी है, उसका ध्यान रखने के लिए अभी मॉम को हमारी जरूरत है, तो प्लीज। हाँ मलिष्का, पक्का माँ आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और मेरी पारो को गले लगा के ना मुझ में बहुत सारी एनर्जी आ गई, और मेरे अंदर तो बहुत 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 ज्यादा एनर्जी आ गई है। मैं तो डैड से गले लग गई हूँ ना माँ, सच्ची में डैड सुपर हीरो है, उन्होंने हमें बचा लिया और वो गंदे रंजीत अंकल को भी पकड़ा दिया। अब वो गंदे रंजीत अंकल जेल में चक्की पिसेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब डैड ने किया माँ, डैड ने हम सबको बचा लिया। तो डैड है कहाँ, उन्हें थैंक यू बोलना है ना? अरे वो बस आ रही हूँ। अरे डैड कहाँ गए, वो तो साथ में ही थे। बेटा ये आपके लिए, वो जो आपके साथ थे ना उन्होंने आपको दिया है, वो लोग चले गए हैं। कहाँ चले गए? उन्हें मुंबई जाना था शायद। डैड चले गए। दी, तुझे होश आ गया, तू कैसी है? हाँ, कमजोरी महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल ठीक हूँ। ओ बहनों, मैं भी हूँ। पारो तू भी आजा, आजा तू मेरे पास आ, मेरी प्यारी। पारो शुक्र है तू ठीक है, शुक्र है तू भी ठीक है। दी शालू, तू मिस्टर ओबरॉय से मिली क्या? नहीं। देख ना शालू, हम उनसे मिल ही नहीं पाए, वो वापस चले गए। वो इतनी दूर तक आए थे, हमारी इतनी मदद की, और हम उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाए। दी कोई बात नहीं ना, शायद उनसे मिलना आज लिखा ही नहीं होगा, कोई खास दिन, कोई खास समय, कोई खास मौके पे मिलना होगा। वैसे ये सब बातें छोड़, सबसे बड़ी बात यह है कि तू ठीक है, पारो ठीक है, और वो कमीना रंजीत, वो जेल में, अब वो हमें तंग नहीं करेगा कभी। सिस्टर हम घर जा सकते हैं? हाँ, मैं आपको यही बताने आई थी, मेरी डॉक्टर से अभी बात हुई है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। ये काम करते ना, एक और दिन रुक जाते ना, तुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। शालू अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। घर में रहे, ठीक है, घर जाते खाना खाते। दी आराम से चल तू। मैं ठीक हूँ। दी बैठ जा तू, बैठ। माँ आराम से। जी हमें बिल पे करना है। पेशेंट का नाम? लक्ष्मी। जी अभी चेक करके बताती हूँ, आपका बिल तो पे हो चुका है। पर हमने अभी तक पे ही नहीं किया है, तो फिर किसने? मिस्टर ओब्रॉय ने। जी तुझे कैसे पता? क्या नाता है मेरा इनसे शालू? जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी हमें किसी मदद की जरूरत होती है, वो हमेशा आ जाते हैं। जैसे कि मिस्टर ओब्रॉय और हमारा कोई मजबूत रिश्ता।
मॉम, मैं आ गया हूँ मॉम, कुछ नहीं होगा आपको। मॉम, 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 क्या हुआ आपको? मॉम बुआ का फोन आया था, आपकी तबीयत ठीक है? हार्ट मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए अभी अभी तक? मॉम की इतनी चिंता है तो मॉम की बात क्यों नहीं मानते? मॉम मानूंगा, आपकी सारी बात मानूंगा, प्लीज पहले आप हॉस्पिटल चलिए। मॉम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। एक्चुअली तुम लोगों को यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया गया है। मॉम आपको आइडिया है क्यों? ऋषि, भाभी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है मैंने किया, ये मेरा ही आइडिया था। क्योंकि हम सबको डर था कि तुम लोग कहीं वहां गांव में ही ना रुक जाओ, इसलिए आज की आज वापस बुलाने के लिए मैंने ये प्लानिंग की। ये आपने किया मॉम? ये प्लान था? आपको आइडिया भी है हम कितने टेंशन में आ गए थे, कितना परेशान हो गए थे हम लोग? पूरे रात से ऋषि भाई को बस ये लग रहा था कि किसी तरह हम घर पहुंचे जल्दी जल्दी, मामी की तबीयत कैसी होगी, मामी कैसी होगी। अरे गाड़ी खुद ड्राइवर को टैक्सी चलाने दी उन्होंने, खुद टैक्सी चलाकर आए ताकि जल्दी जल्दी बस यहाँ पर पहुंच सके। पूरे रास्ते परेशान थे कि मामी होगी कैसे, क्या हालत होगा उनका, और आप यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो मॉम हमारे लिए, हमारे साथ प्लानिंग, ये ऐसी प्लानिंग होती है? आयुष हो गया, देखो तुम्हें अपने ऋषि भाई की चिंता है ना, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट, लेकिन तुम्हें अपनी मामी की चिंता नहीं है? तुम्हें आइडिया भी है वो ऋषि के लिए कितनी परेशान थी? मलिष्का के लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोग तो वहां चले गए लाइक ब्रेव हीरोज मौत को इनवाइट करने के लिए, एक बार भी हमारे बारे में सोचा? तुम्हें आइडिया भी है हम सबको तुम्हारी कितनी चिंता है, कितना प्यार करते हैं हम सब तुमसे? वो है यहाँ पे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आपने झूठ बोल के बुलाया हमें यहाँ पे, और ऐसा झूठ रियली नॉट डन। ऋषि व्हाट व्हाट इज नॉट डन ऋषि? हाँ व्हाट इज नॉट डन? आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो इट इज नॉट डन, और जो तुम हमारे साथ करते आए हो उसका क्या? हमने कहा था तुमसे वहां मत जाओ, लेकिन तुम गए, वो ठीक था, वो गलत नहीं था। आइडिया है हमारी क्या हालत हुई, सांस अटक गई थी हमारी, हमारी क्या, हम सबकी सांस अटक गई थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिल में, ऋषि ठीक तो होगा ना, ऋषि को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, उनके किडनैपर्स ने कहीं हमारे बेटे को, कितने खराब ख्याल आ रहे थे हमारे मन में, वो सब सोच सोच के हमें सच में हार्ट अटैक आ सकता था। मॉम पारो को बचाने गया था वहां पे। क्यों? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।